ईद की नमाज़ दो रकत की शक्ल में अदा की जाती है और दोनों रकतों में जायद तकबीरात भी अदा की जाती हैं। और ये तकबीरात की तादाद के बारे में आइमा के दरमियान इख्तिलाफ है और तकबीरात पर हाथ उठाया जाता है। और बहर कैफ ये नमाज जो है वो ईदगाह में एक मर्द की इमामत में अदा करना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहदीस की तालीमात से साबित है। एक खातून जुमे की इमामत या ईदैन की इमामत या इस किस्म की जो इज्तमाई नमाज़ें हैं जैसे नमाज़े इस्तस्का की, इस किस्म की सारी ही इज्तमाई नमाज़ों की इमामत का तसव्वुर ख़वातीन के हवाले से साबित नहीं है। और अगर ख़वातीन ईदगाह में जाएंगी तो फिर वो ईद की नमाज़ अदा कर सकती हैं। घर पर अलग से ख़वातीन की जमात करवा के उसको ईद की नमाज़ का एक अल्टरनेटिव या रिप्लेसमेंट समझना, इसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है।